फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पास किचन। आज हम बनाने वाले हैं मस्क मेलन सीड्स के जो और पल्प है उसके फ्राइम्स। बहुत ही सिंपल, यूनिक और इजी रेसिपी है। मैं हर बार बनाती हूँ तो मैंने सोचा इस बार बनाने से पहले मैं वीडियो बना दूँ और आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट क्या क्या लगने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 3 मस्क मेलन के सीड और पल्प, जो है मैंने अच्छे से इसको स्कूप करके निकाल के रखा हुआ है। अगला इंग्रेडिएंट है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार रहने वाला है, हींग 1/2 छोटा चम्मच। ये मैंने लिया है पोहा। पोहा जो है इसके रिक्वायरमेंट इसके कंसिस्टेंसी के हिसाब से रहेगी, यानी हम करीबन मैंने यहाँ बाउल एक बाउल लिया है, तो इस ये जो है एक बाउल से अगर इसमें जूस ज़्यादा है तो एक बाउल से ज़्यादा भी लग सकता है। और मैंने ये जो पोहा है इसे ऑलरेडी जो है धोकर रख दिया है, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मैंने क्या किया है, इसे जस्ट एक पानी में भिगोकर पानी जो है ड्रेन कर लिया है, स्ट्रेन कर लिया है। तो ये देख लीजिए इतना सॉफ्ट हो गया है। तो जैसे मैंने कहा कि इसकी कंसिस्टेंसी जो डिपेंड करती है वो इसके पल्प पे है, तो मैंने अभी यहाँ पे एक बाउल लिया है। तो चलिए मैं अभी आपको प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले पोहा में हम ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हींग और फिर जो है सब पल्प जो है पूरा ऐड कर लेंगे। अब हम जो है इसे हाथ से ही, मैंने हाथ अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम जो है हाथ से ही इसे, देखिए आप देखिए ऐसे स्क्वीज करते हुए इसको बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि पोहा अगर आपको लगता है कि प्रोसेस में कम पड़ रहा है तो आप बिल्कुल इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो फाइनल कंसिस्टेंसी जो हमारी रहेगी वो हम जो हम पापड़ सुखाने के लिए जो रखते हैं, एक्चुअली पापड़ की बहुत ही लिक्विड कंसिस्टेंसी होती है, ये थोड़ा थिक रहेगा, देख सकते हैं ये देखिए। तो इसे जो है अच्छे से बस ऐसे मिक्स करते रहना है। अगर आप चाहते हैं कि तीखा ज़्यादा आप खाना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है मैंने जो क्वांटिटी दी बताई है वो इनफ हो जाती है। ये देखिए मीन्स देखिए अभी इसमें जो है आप मैंने जैसे कहा कि पोहे की कंसिस्टेंसी हमारे थिकनेस पे डिपेंड करती है। अगर हम जैसे स्क्वीज़ कर लेते हैं इसे और स्क्वीज़ करते हैं तो देखिए आप देखिए ये थिक नहीं हुआ है। तो अब हम जो है इसमें और थोड़ा पोहा ऐड करेंगे। मैं इसमें फिर से ये करीबन मैंने 2 छोटे चम्मच जो है पोहा धो कर लिया है, वॉश करके ले लिया है। तो ऐसे ही बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जो है हम देर में अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड है तो ही हम ऐड करेंगे। इसे अच्छे से स्क्वीज करना बेहद ज़रूरी है, तो स्क्वीज़ कर लीजिए इसे। ये देखिए जहाँ लगता है आपको कि ये देखिए पल्प है तो इसे अच्छे से स्क्वीज कर लेना है। इसे ज़्यादा हमें कुछ स्पाइस वगैरह नहीं डालना है क्योंकि पम्पकिन सीड्स जो होती है, मस्कमेलन सॉरी पम्पकिन नहीं, मस्कमेलन सीड्स जो होते हैं ना उनके टेस्ट भी बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। और जो है मस्कमेलन गर्मियों में मिलता है और सीजनल फ्रूट है, तो मैं हमेशा मीन्स प्रेफर करती हूँ कि सारे सीजनल फ्रूट जो है घर में इंट्रोड्यूस करूँ। अगर आपके घर में बेबीज है तो आप जो है उन्हें बिल्कुल हर एक तरह के फ्रूट जो है टेस्ट करवाइएगा। थोड़ा सा मैसी है काम लेकिन रिजल्ट जो है बहुत ही बढ़िया निकल के, ये देखिए। अब बेसिकली टेस्ट कैसे पता चलेगा, अगर मैं छोटे से बॉल जैसे बनाती हूँ, देखिए बन जाता है तो बाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब जो है हमारा जो बैटर कह लीजिए या मिक्सचर जो है हमारा रेडी है। तो बिल्कुल इस तरह के जो है अब हम जो है शेप बनाने वाले हैं। तो चलिए इस तरह के शेप बनाकर हम जो है रख देते हैं बाउल में। ये देखिए बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, बस थोड़ा सा स्क्वीजिंग प्रोसेस जो है वो रहेगा, अदरवाइज बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए तो चलिए इस तरह से सभी बना, ये देखिए इस तरह से जो है मैं एक
आप चाहे तो बड़ी सी डिश में, या आपके घर में अगर बहुत बड़ा प्लास्टिक है अवेलेबल, तो आप उस पे जो है रखकर ड्राई कर सकते हैं। ये भी सन ड्राई करना है इसे भी। इससे पहले भी मैंने एक जो है मसाला स्टफ्ड, मेथी स्टफ्ड मिर्ची का वीडियो बनाया है, उसमें भी सेम प्रोसेस है। लाइक आपको सन ड्राई करना है, समर सीजन है तो फिर बिल्कुल उसका जो है हमें बेनिफिट उठाना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट्स मैं इजीली हर साल बनाती हूँ, जो भी चीज़ें रेसिपीज मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो बिल्कुल इस तरह से जो है बनाना है। ये मैंने करीबन जो है 1 हफ्ते तक जो है कड़ी धूप में सुखाया है। आप देख सकते हैं रिजल्ट जो है इस तरह से निकलता है। साइज ऑलमोस्ट स्क्वीज होकर जो है आधा हो चुका है। ये मैं आपका टाइम सेव करने के लिए बचाती हूँ। बिल्कुल अंदर से जो है सब पूरा, जैसे मैंने कहा कि अगर आप तेज धूप आती है तो 1 हफ्ते तक तो आप बिल्कुल इसको जो है थोड़ा सा जो है बीच बीच में टूट जाता है, बट इट्स ओके। जो ज़्यादातर जो है प्रोसेस या ज़्यादातर शेप जो है इंटैक्ट है, तो ये देख सकते हैं, देखिए आप। तो मैं अभी आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। मैंने तेल गरम करने रखा है, तेल गरम हो चुका है। अब हम जो है इसमें ये सारे के सारे जो फ्राइंग्स हैं वो ऐड कर लेंगे। बिल्कुल मीडियम आंच पर जो है आपको इसको कुक करना है। देखिए इस तरह से हल्के से जो है गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे करना है। ये देखिए एक साइड ऑलरेडी हो गया है और जो सीड्स है वो क्रैकल हो रहे हैं। देखिए टर्न कर देना है बिल्कुल। तो तेल थोड़ा गर्म होने तक आप जो है ना देखिएगा। मैंने तेल को जो है करीबन 1 मिनट तक गर्म किया है। आप क्रैकलिंग साउंड सुन सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से थोड़ा डार्क ब्राउन, ये डार्क ब्राउन ही होगा बिकॉज ऑलरेडी ही जो है पोहा हमने जो डाला है बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। थोड़ा डार्क करेंगे तो क्रिस्पीनेस बढ़ेगा, बहुत ही नटी और मस्कमेलन का टेस्ट आप बिल्कुल कर सकते हैं इसमें। आप इसे दही चावल, उसकी भी रेसिपी मैंने बनाई है, देखिए आप देख सकते हैं ये दो एंड रिजल्ट्स हैं। आप इसे दही चावल के साथ खाएंगे बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे इस तरह से फ्राई करके एंड में जब लोग दाल बनाते हैं, कोई भी दाल आप बनाते हैं, तो बिल्कुल एंड में जब हम सर्व कर रहे होते हैं तब आप जो है उसमें ये डाल सकते हैं। तो बहुत सारे यूज़ है इसके, या तो फिर ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा ये बनाना, रेसिपी बता कर ट्राई कर बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको रेसिपी। पसंद आई तो लाइक बटन को हिट करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है आपको अपडेट मिलते रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टेस्टी हेल्दी और क्विक इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।